तो ये वो तमाम नाम हैं जिनके नाम पर आज मुहर लगेगी। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में ये नाम शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन दुर्ग में तब्दील कर दिया गया है। इसके लिए वायुसेना की रक्षा प्रणाली तक की मदद ली जा रही है। रक्षा विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति भवन में डेरा डाल दिया है और कई तरह के उपकरण लाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण में सबसे बड़ी सुरक्षा। जमीन से आसमान तक खास सुरक्षा कवच। रायसीना हिल्स के चप्पे चप्पे पर निगाहें। शार्प शूटर्स, खास कमांडो, एनएसजी, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना के जवान और एयर डिफेंस सिस्टम। हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को शपथ लेने में 36 घंटों से भी कम वक्त बचा हुआ है। इस समारोह में देश विदेश के करीब 3000 वीवीआईपी मेहमानों के शिरकत करने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे, नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन भी शामिल हुए और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम। ऐसे में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के दौरान वीवीआईपी मेहमानों को फुल प्रूफ सुरक्षा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सुरक्षा बल के 6000 जवानों की तैनाती की है। जो सुरक्षा कवच तैनात किया गया है उसे अभेद माना जा रहा है। 26 मई को दिल्ली के रायसीना हिल्स के आसपास 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और रायसीना हिल्स के 2 किलोमीटर के दायरे में एक खास सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा घेरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सुरक्षा के इंतजामों पर दिल्ली पुलिस भी पैनी नजर रखेगी। इसके अलावा वायुसेना और सेना को भी इसमें शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल भी सुरक्षा प्रबंध में सहयोग करेंगे। ड्रोन या फिर किसी भी तरह के आसमानी हमले से निपटने के लिए वायुसेना के एंटी एयरक्राफ्ट गन आसमान पर कड़ी चौकसी करेंगे। एयर डिफेंस सिस्टम को भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा ऊंची इमारतों पर स्निपर्स तैनात किए जाएंगे। रायसीना हिल्स की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा अवरोधक लगाए जाएंगे। मोबाइल सिक्योरिटी यूनिट, डॉग स्क्वायर और बम निरोधक दस्तों की तैनाती भी होगी। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे वीवीआईपी मेहमानों को जिन होटलों में ठहराया जाएगा वहां भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर होगी। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह के दिन जिन रास्तों से वीवीआईपी मेहमानों का आना जाना होगा वहां भी दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। मोदी का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में होगा और इस दौरान आसपास के कार्यालय 5 घंटे के लिए बंद रहेंगे। दोपहर 1 बजे के बाद यहाँ कामकाज नहीं होगा, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां उनकी जांच करेंगी। शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा गणतंत्र दिवस के समान होगी। लेकिन नरेंद्र मोदी को खतरा और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने वाले देश विदेश के मेहमानों की सुरक्षा के मद्देनजर एजेंसियां काफी सतर्क हैं और 26 मई यानी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दिन राष्ट्रपति भवन के चारों ओर किलेबंदी
और सुरक्षा कवच को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। जितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज 24।